ये एस वेरी जॉयफुल मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन और आपने देखा होगा कि हर तरह के कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं तो हमने 500 हंड्रेड क्वेश्चन की एक सीरीज बनाई है जिसमें टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन को हम आज स्टडी करेंगे आप ध्यान से इसे सुने येस द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द प्रोविजनल प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे ये अक्सर एग्जाम में आता है तो आप इसका आंसर देंगे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द मेथड ऑफ अम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज अडोप्टेड फ्रॉम इंडिया के जो प्रेजिडेंट हैं उनको इम्पीचमेंट करने का जो मैथड है उनको हटाने की जो प्रक्रिया का मैथड है वो कौन से देश से लिया गया है ये भी कई बार एग्जाम में आता है तो आप इसका आंसर देंगे यूएसए तो जो इम्पीचमेंट का मेथड है इंडिया में वो यूएसए से लिया गया है यस द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज ए स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल किस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल फीचर में रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप बोलेंगे ब्रिटेन ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया गया है द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है इस आइडिया को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है तो आप बोलेंगे यूके से अडॉप्ट से किया गया है तो एक बार फिर रिकैप करते हैं हम तो प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और प्रेसिडेंट के लिए जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया रहती है उस मेथड को कहाँ से अडॉप्ट किया गया यूएसए से रूल ऑफ लॉ जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल फीचर है वो कहाँ का है वो ब्रिटेन का है यस इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टड फंक्शनिंग भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेम्बली ने कौन से ईयर में अपना काम करना शुरू किया कई बार ये पूछा जाता है बोलेंगे नाइनटीन फोर्टी सिक्स में विच टाइप ऑफ डोमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया भारत में किस तरह का प्रजातंत्र को हम फॉलो करते हैं आप बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव द टर्म सेकुलर वॉज एडिड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई विच अमेंडमेंट किस अमेंडमेंट के तहत सेकुलर वर्ड को प्रियम्बल में जोड़ा गया था तो आप याद रखेंगे फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट आप ध्यान रखें ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अक्सर एग्जाम में आते हैं विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स से कौन सा पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डील करता है आप बोलेंगे पार्ट थर्ड तो पार्ट थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फंडामेंटल राइट्स फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में सेकुलर शब्द जो है वो जोड़ा गया और 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना काम करना शुरू किया और किस तरह का डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं इंडिया में आप बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव यस विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कौन सा आर्टिकल डील करता है तो आप बोलेंगे आर्टिकल 51 ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट टू वॉट इज ये जो राइट टू वोट होता है ये कौन सा राइट right होता है आप बोलेंगे पॉलिटिकल राइट right. अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ आप इसे लाइक like करें और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समय समय पर मिलते रहें वेन वॉज़ आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर पहली बार कब नेशनल एंथम को गाया गया और कहाँ गाया गया कई बार ये एग्जाम्स में आता है तो आप बोलेंगे ट्वेंटी सेवन दिसंबर नाइनटीन इलेवन कलकटा में पहली बार इसे गाया गया कलकत्ता में और डेट जो थी वो थी 27 दिसंबर 1911। इलेवन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन कब से ये लागू हुआ तो आपको सबको पता है 26 जन जैन और हमने जो इसे अडॉप्ट किया था वो आपको ध्यान रखना है ट्वेंटी सिक्स नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया था और इसको फोर्स में लाए थे मतलब इसको लागू किया गया था 26 जैन में द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स ग्रेटर इंडिया किस बात को डिनोट करता है तो आप बोलेंगे कल्चरल यूनिटी तो ग्रेटर इंडिया डिनोट करता है कल्चरल यूनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को फोर्स में कब लाया गया ट्वेंटी सिक्स जैन नाइनटीन फिफ्टी फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम को गाया गया ट्वेंटी सेवन दिसंबर नाइनटीन इलेवन कैलकटा में द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर इंडिया में जो टू फॉर्म्स हैं डेमोक्रेसी की वो कौन कौन सी हैं आप बोलेंगे पार्लियामेंट एंड प्रेजिडेंशियल पार्लियामेंट एंड प्रेजिडेंशियल हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे आप बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे आप बोलेंगे बी आर अम्बेडकर हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो रही इंडिया की उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे आप बोलेंगे सर बी एन राव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज़ अडोप्टिड ऑन जिसे अडॉप्ट किया गया आप वो डेट याद रखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 26 सिक्स नवंबर नाइनटीन को और जैसे हमने पहले बताया कि इसको एप्लीकेबल किया गया 26 सिक्स जैन नाइनटीन को तो एक बार फिर देखते हैं टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर पार्लियामेंट एंड प्रेजिडेंशियल और चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे बी आर अम्बेडकर एंड हु द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया बोलेंगे सर बी एन राव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे डिस्क्राइब करता है आप बोलेंगे ए यूनियन ऑफ स्टेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑरिजिनेटेड इन ब्रिटेन आज हमने टॉप ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए कॉन्स्टिट्यूशन पर आने वाले समय में हम बहुत से और वीडियोस लाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे और आपको हर कंपिटेटिव एग्जाम में वो हेल्पफुल होंगे आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें